वो नहीं नहीं लेजर मारेगी गाइस, ये देखो भाई, ओ गाइस भाई सब पर फेंट देती है एक बारी में। लेट्स गो। ओ गाइस भाई टाइटल है, आग लगा लो। कितनी बारी बताया मैंने। व्हाट्स अप बफी गैंग, कैसे आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। तो गाइस आज हम अपनी बेलेनोर को करने वाले हैं मैक्स आउट, क्योंकि वो पाल वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है। बट गाइस इसको हम ऐसे मैक्स आउट नहीं कर सकते, हमारे पास दो बेलेनोर होनी चाहिए, बट हमारे पास अभी एक ही है। तो इसलिए आज हम करेंगे बेलेनोर बॉस फाइट, जिससे हमें इसको डिफीट करके इससे मिलेगा एक डार्क एग, और उससे मिलेगी हमें एक और बेलेनोर, और इन दोनों से हम कई सारे बेलेनोर लेके फिर एक बेलेनोर को करेंगे फुल मैक्स आउट, और इसको मैक्स आउट करने के बाद फिर हमारे पास होगा एक मोस्ट पावरफुल डार्क पोकेमोन। चलो गाइस चलते हैं वीडियो में। तो स्वागत है तुम्हारा दोबारा से वीडियो में। तो सबसे पहले तो गाइस अपना ये घर देखो, हमने जो पिछली वीडियो में बनाया था इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो यही चेंज है भाई, इसके एंट्रेंस मैंने थोड़ी सी अंदर कर दी। चलो एक बार टूर देता हूँ तुम्हें, और गाइस ये देखो भाई कितना ज्यादा खुला खुला सा है। अभी यहाँ पे एक ही लैंप लगाया क्योंकि अपने पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन इतने नहीं थे, और सेकंड फ्लोर हमारा बस इतना सा है। और यहाँ पे जाते हैं हम अपने थर्ड फ्लोर पे, जो हमारा मान लो एक स्टोर है, और यहाँ से हमारी एक बालकनी है। ये देखो भाई लग्जरी सी एक बालकनी, यहाँ से हम अपने पाल को आराम से बैठ के देख सकते हैं, और इधर की साइड पे अपना प्यारा सा लेक का व्यू, ये देखो भाई। और गाइस अपने घर के साथ में हमने अपने पोकेमोन का एक शेल्टर बनाया था, जो कि भाई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पे मैंने फ्लफी बेड लगा रखे हैं इनके लिए, इसमें मैं एक दो चेंजेस और करूंगा, उसके बाद काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। और गाइस यहाँ पे भी मैंने एक लाइट लैंप लगाया है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी है अपने वर्क एरिया के पास। तो गाइस हम पिछली वीडियो में बेलेनोर की सिस्टर बेलेनोर लिब्रोस को स्पॉन करने वाले थे, हम तैयारी के लिए इलीगल आयरन पे गए थे, बट वहाँ पे हमें मिला ये शाइनी ओसेक 50 लेवल का बॉस पोकेमोन। मैंने इसको लेके जब गैराडोस से फाइट करी थी ना, लिटरली भाई 2 मिनट में हरा दिया था 45 लेवल के बॉस को। गाइस देखने वाली फाइट थी भाई, अगर तुमने नहीं देखी ना इस वीडियो के बाद पिछली वीडियो जाके देखना। और भाई इसको पकड़ते वक्त इतना ज्यादा टाइम लग गया ना, क्योंकि गाइस ये 50 लेवल का है ना भाई, ये हाइपर स्फीयर में तो आ ही नहीं रहा था, अल्ट्रा स्फीयर में आया ये, और बहुत ज्यादा मुश्किल से आया भाई। बट अब तो इसको पकड़ लिया है ना, तो आज हम बेलेनोर को स्पॉन करने वाले हैं, उसके सिस्टर को नहीं बेलेनोर को स्पॉन करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए काफी सारी बेलेनोर, क्योंकि हमें अपनी बेलेनोर को मैक्स आउट करना है। ओके देखो आज हमें काम तो बहुत है, बट काम करने से पहले एक अपनी परंपरा निभा लेते हैं, जो कि है एग ओपन करने की। यहाँ पे मैंने एक लार्ज डार्क एग लगाया था लास्ट में, जो हमें मिला था शेडो बिक और जर्मटाइज से। चलो भाई देखते हैं इसको ओपन करके क्या निकलता है। ओके भाई इसमें से निकला है हेल्थ स्फीयर। गाइस मैंने अभी तक पकड़ा भी नहीं है भाई उसको, और लिटरली भाई मुझे उड़ता हुआ भाई नहीं दिखा है, क्योंकि हम रात को घटी उड़ते हैं ना, इतना मुझे पता है ये डार्क पोकेमोन है। ओके तो सबसे पीछे होगा ये, कहाँ पे है कहाँ पे है, अबे कहाँ पे गया, अबे भाई आया भी है क्या, नहीं। गाइस ये रहा भाई, इसको रखते हैं यहाँ पे, नहीं नहीं मैं इसको पास में रखता हूँ अपने, देखते हैं। ओ लेट्स गो भाई, ये क्या है। ओ भाई उड़ता हुआ, ये तो कुछ ड्रैगन सा है, इसको एक बार इधर स्पॉन करते हैं। ओके भाई ये देखो क्या चीज है। ओ गाइस मे बी इसका सैडल भी बन सकता है भाई, अगर ये उड़ने वाला पंछी है तो। और ये करता क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्टिंग करता है ये। अबे नहीं अंदर आ जा तू अभी। गाइस यार बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया, ये अपने पास अभी तक था नहीं। चलो इसको अंदर रखते हैं, और अपनी बेलेनोर को रखते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैंने अंडे लगाए थे काफी सारे, तो ये लार्ज एग तो हमें गैराडोस साइड से मिला था, देख क्या क्या निकलता है। हाँ वही ना गाइस, नॉक्स निकला ना, वही तो मैं कह रहा हूँ उधर से मिला था। बट गाइस ये ह्यूज क्लोचिंग एग ना हमें लावा वैम के आसपास मिला था, क्या निकलता है भाई, ब्लेज हॉल निकला है भाई, ब्लेज हॉल नॉक्स निकला है। अपने पास अभी तक एक ही था मे बी, हाँ एक ही था भाई। और चलो भाई एग दो ओपन कर दिए हैं, अब यहाँ पे एक न्यू कॉम्बिनेशन लगा देते हैं जो अपने इन भाई का है। तो पहले यहाँ पे आएगी अपनी इतने बॉस पोकेमोन तो है। आइयो भाई बेलेनोर इनको मैं बताता हूँ, ब्लेज मत आइयो भाई। ओ गाइस भाई लॉन्चर लेके आए हैं, अबे अबे मारो भाई इनको, अबे मारो, देखो पीछे आग आग लग जाएगी भाई घर में, मारो 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 भाई, मारता हूँ मारो मारो। ओ नहीं बम 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 भाई, अबे ये क्या कर दिया भाई, घर जला दिया। ओ भाई चुटकियों में भाई सारी रेड खत्म होगी, देखो सारे के सारे यहीं पे ढेर हो गए। अबे मेरे पे रेड करोगे, चल भाई।
चले दे भाई मेरे पे रेड करने। भाई कितनी बारी बताया इनको आग लगा दूंगा। हमने बेलनोर तो रख दी थी, इसके साथ में आएगा ये अपना ओसेक जो हम कल पकड़ के लेके आए थे शाइनी वाला। तो भाई एक तरफ है डार्क बेलनोर और दूसरी तरफ है ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक पोकेमोन। भाई देखते हैं दोनों से हमें कौन सा एग मिलता है। और भाई ये गैराडोस यहाँ पे क्या कर रहा है अबे भाई, तू पाल बॉक्स में चला जा, तेरा कुछ दिमाग ठिकाने पे नहीं है। यहाँ पे छोटे वाला छोड़ देते हैं, अब तू ना बढ़ जाओ वहाँ पे। तो देखो गाइस सबसे पहले ना ये अपने बेंच जो है इनको अंदर की तरफ लगा देते हैं, कि भाई यहाँ पे रास्ते में ना ये सही नहीं लग रहे। अबे तू भी हट ले और तू भी हट ले और तू भी हट ले। अबे भारी हो गया मैं, इसको पहले रखते हैं यहाँ पे। अबे यार यही गाइस यही तो कह रहा था मैं, ग्रैपलिंग करना काम नहीं करती है। अबे भाई कर जा, ये क्या हो रहा है। ओके पहले भारी वाले सामान को यहाँ पे रख देते हैं। देखो गाइस हम क्राफ्टिंग टेबल ना इस साइड पे लगाने वाले हैं। तो पहले तो आएगा अपना रिपेयरिंग बेंच यहाँ पे, क्योंकि इसकी हमें काफी जरूरत पड़ती है। फिर आएगा अपना पाल गियर वर्क बेंच, यहाँ पे हम अपने सैडल्स बनाते हैं। और फिर आएगा अपना मेडिकल टेबल। अबे नहीं यार ये है ना मुझे बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेलनर ना थोड़ी सी हाइट में बड़ी है। और अभी के लिए ना ये दो टेबल ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन लाइन लगा रखी है ना, बाकी का सामान वहीं पे बन जाता है। और यहाँ पे एक अलमीरा लगा देते हैं, इसमें हम अपना सामान स्टोर कर देंगे। बनाइयो भाई, हाँ ये देखो छोटे वाले होने बस आ सकते हैं यहाँ पे, ये बड़े वाला नहीं आ सकता। ये देखो मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो भाई ये यहीं पे बस जाएगा बेचारा। और इसके बगल में एक छोटी सी ये वाली लगा देते हैं, ये सही नहीं लगेगी, मैं ना यहाँ पे कोई वुड वाली लगा देता हूँ, ये वाली ये बढ़िया लगेगी भाई, यहाँ पे आएगी। ऑलराइट तो ये भी बन चुकी है, ओके डन। अब यहाँ पे ना रूफ लगा देते हैं, नहीं तो इनके बिना नहीं लगती है। और गाइस जो ये वाला कमरा है ना इसमें कुछ सीक्रेट है, इसको अभी नहीं खोलते। और जो वहाँ पे सामान है ना उसको मैं बाद में अंदर स्टोर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे लगा देते हैं एक मेडिकल टेबल, तो इसको मैं कहाँ पे लगाऊं, हाँ इसको अभी के लिए यहाँ पे लगा देते हैं भाई, बढ़िया सा एक लेक का व्यू आएगा और यहाँ पे आराम से दवाई बना सकते हैं। और हाँ गाइस भाई अपने सैडल तो रहती ही है भाई, मैंने इतने सारे सैडल बनाने थे। चलो देखते हैं टेक्नोलॉजी टैब में किस किस का सैडल खुला है। के ओ गाइस भाई यहाँ पे ग्रिजबोल्ट का भी सैडल है, वो भी मिनी गन का। हाँ गाइज आप भी कह रहे थे मुझे भाई आप ग्रिजबोल्ट की एक मिनी गन बनाओ, बट गाइज इसको बाद में बनाएंगे भाई, पहले बनाते हैं सुजाकू का सैडल। आप लोग कह रहे थे भाई ये काफी तेज उड़ता है तो अपना ट्रैवल आसान हो जाएगा। तो गाइज साथ में भाई जर्मन टाइड का भी सैडल है। और गाइज अपने साइड में तो लेक भी लगती है भाई, सैडल बनाना पड़ेगा इसका तो। और गाइज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर है भाई, इसको कर लेते हैं। मुझे ना भाई फिर कैंप फायर लगानी पड़ती है और उसमें अपने पोकेमोन्स जल जाते हैं, बट गाइज इसके लिए सर्किट बोर्ड लगेंगे तो अभी इसको नहीं लगाते हैं, पहले सैडल बनाते हैं भाई। के तो चलते हैं अपने पाल गियर वर्क बेंच पे। और यहाँ पे गैराडोस का गैराडोस इसको बनाते हैं। बनाओ भाई जल्दी से बनाओ, कौन आएगा। ओ भाई भाई ये यहाँ पे खड़के देख रहा था गाइस, तुमने देखा भाई ये यहाँ पे खड़के देख रहा था भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। अनुबेस चोरी चोरी देखता है। ओके तो ये बन चुका है, थोड़ा सा हाथ में भी लगा देता हूँ, मुझे देखना ये कैसे वर्क करता है। और राइड तो अपने गैराडोस का गैर सैडल बन चुका है, चलो भाई देखते हैं इस पे हम कैसे राइड करते हैं। अबे बैठा ले मुझ पे। ये नहीं बैठाएगा भाई, जो अपने पास है ना वो ही बैठा सकता है। आइयो भाई गैराडोस। ओ गाइस भाई देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, लिटरली भाई गैराडोस की गर्दन के ऊपर बैठा हूँ मैं। कि इसको पानी में लेके चलते हैं, भाई तैर सकता है ये। देखो अभी तक कोई ऐसा पाल नहीं था जो हमें पानी में ऐसे तैरा सके, बट गाइस ये वाला है भाई। ये देखो मेरा स्टैमिना भी नहीं जा रहा है, वो अबे फंस गया। अबे तू गहरे पानी में चला भी जाएगा या फिर डुबा देगा मुझे, कि अभी तो सही चल रहा है। अबे फंस गया, वो जंप भी मार। हाँ उड़ 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 भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसके पंख थोड़ी नहीं लग गए भाई, फंस गया ये यहीं पे। ओ पागल मुझे भी फंसा दिया तुमने। गाइस भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई इस पे राइड कर, और इस पे बैठ के ना हम शायद से फाइट भी कर सकते हैं। कैटिवा के ऊपर नहीं उसके ऊपर एक्वा, भाई एक्वा ब्रस्ट मारते हैं, मार एक्वा ब्रस्ट। हाँ बढ़िया, अबे कहाँ पे निशान लगा, अबे बच गया भाई वो। ड्रैगन कैन जला दे इसको। अबे कहाँ पे मार रहा भाई, इस पे मार। ओ लगी भाई 600 का डैमेज जंप मार के। ए भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है भाई इस पे तो फाइट करके। चल भाई उतार दे मुझे अब। ओके भाई काफी ज्यादा बढ़िया है भाई सैडल तो। और अब बनाते हैं अपने सुजाकू का सैडल, पहले तो इसको इन्वेंटरी में रखते हैं। ऑलराइट तो सुजाकू ये रहा सुजाकू। बनाइयो भाई अनुबिस, आएगा कोई अनुबिस आएगा। आ गया भाई आ गया, एक भाग के आया अनुबिस। बनाओ भाई जल्दी बनाओ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्या करता ना इतना जो ये फार्मिंग है ना गाइस, मुझे ये इधर की साइड पे लगानी, इधर की साइड पे मैं सोच रहा हूँ अपना एक दूसरा अपग्रेडिंग फार्म आएगा। तो यहाँ से ये सारी फार्मिंग हटा देते हैं। पेटी लिया भाई इतना मत, बीज वगैरह वो यहाँ पे उधर पे जाके। अबे बस भाई पागल होगी क्या ये, अबे बस कर भाई। भाई ये क्या हो गया इसको, ये देखो। तो चलते हैं फूड में, यहाँ पे आएगी अपनी व्हीट प्लांटेशन ऐसे करके, एक आएगी यहाँ पे, और इधर की साइड पे आएगी अपनी बेरी प्लांटेशन। भाई एक हमारे घर की साइड पे और एक इनके घर की साइड पे, यहाँ पे तीन लग जाएंगे ना, बढ़िया लग रही है अब तो। ओके सुजाकू का सैडल बन गया भाई, बन गया। ओके सुजाकू को देखते हैं भाई ये कैसा उड़ता है।
मिठाइयों में सुधाकू। ऑलराइट ओह गाइस काफी तेज उड़ता है भाई, और इसका स्टैमिना देखो। ओह भाई मैं तो इसको ही लेके जाऊंगा भाई, जब भी इंडिगल आइलैंड पे जाऊंगा वहां पे काफी सारा डिस्टेंस होता है ना गाइस, भाई काफी ज्यादा बढ़िया है भाई इसका स्टैमिना तो। चलो भाई उतरते हैं नीचे और एक प्यारी सी झपकी मार के आते हैं और फिर चलते हैं बेलिनोर से फाइट करने, क्योंकि भाई हमें उसका भी तो एग चाहिए ना। ऑलराइट गाइस प्यारी से गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और गाइस तुमने एक बात नोटिस की भाई, मैंने यहाँ पे एक चिमनी भी बनाई है अपने घर पे, ये देखो भाई। एक बार हैशटैग में बफी लिख देना अगर तुम्हें ये पसंद आया तो। चलो गाइस आज है बेलिनोर से फाइट करने का टाइम। बट गाइस जाने से पहले ना यहाँ से एक अंडा ले लेते हैं भाई, इनका तैयार हो चुका है और मुझे रखना है यहाँ पे केक। के गाइस देखते हैं इनसे हमें कौन सा अंडा मिलता है, रखते हैं यहाँ पे केक। और गाइस भाई भाई हमेशा भाई ह्यूज क्यों मिलता है गाइस, क्रोचिंग एग मिला है हमें ह्यूज वाला, देखते हैं गाइस इसमें से क्या निकलता है। अभी तो मैं ना इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। अबे यार 0% इनक्यूबेशन है भाई, मुझे फायर फिर से लगानी पड़ेगी। और गाइस जाते जाते इसको ओपन कर लेते हैं, जो शायद मिला था हमें मेमरस्ट और एस्टागन से, अगर मैं गलत हूँ तो भाई बताना मुझे प्लीज। तो देखते हैं इस ह्यूज ड्रैगन एग में क्या है। रहने दो भाई रहने दो, बात नहीं करनी मुझे भाई, इतने बड़े बड़े सपने दिखा के क्या फिर दे देते हैं ये। चलो छोड़ो यार गाइस इस बात को भाई, हम आज बेलिनोर से फाइट करने के लिए जाने वाले हैं, तो पहले तो अपने सारे बड़े बड़े पाल रख लेते हैं अपनी पाल बॉक्स में, क्योंकि अपने बेस पे कुछ पावरफुल पोकेमोन काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ये ड्रैगन और ये एस्टोगन और कोई है भाई फ्लेरियस है भाई, फ्लेरियस को ले चलते हैं और 33 लेवल का, हाँ इसको भी ले चलते हैं। और तू भी आ जा भाई ग्रेट वॉर्ड। ऑलराइट गाइस अपने पास सारे पावरफुल पाल हो चुके हैं पाल बॉक्स में, और बेस पे मैं ना कुछ पाल छोड़ देता हूँ काम करने के लिए। तो चलो गाइस अपनी फुल तैयारी हो चुकी है गाइस, आज हम एक बेस्ट लोकेशन पे चलेंगे जहाँ पे हम उससे फाइट करेंगे। तुमने ऐसी फाइट भाई अभी तक देखी नहीं होगी। गाइस हम जाने वाले हैं इस सर्कल के ऊपर, गेम में ना भाई ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे हम बॉस फाइट कर सकते हैं, लिटरली भाई जैसे पोकेमोन में जिम बैटल वाली जगह नहीं होती थी भाई, वैसे वाली जगह है ये। तो आज हम भाई यहाँ पे फाइट करने वाले हैं बेलिनोर से भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके तो पहले तो ये सारी चेस्टे खोल लेते हैं, इनमें क्या कुछ है। अबे भाई गोल्ड की लगेगी इसके लिए, और ये वाली के गीगा स्पेयर मिला यहाँ से। ओह मुझे रिकवरी मैट्स मिली है भाई, ये कुछ नया है। और यहाँ पे कुछ बिल्लियां घूम रही हैं, ये देखो लिटरली भाई 30 लेवल के हैं। ओए तुम ऊपर चढ़े कैसे हैं, भागो यहाँ से। तो चलो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अपना पाल बॉक्स लगाते हैं। आइयो भाई अनुबिस बनाइयो इसको। उस सबसे पहले ना अपने पास एक बार एक ग्लाइडर रख लेते हैं। तो गैलकुलो तू आ जा भाई, ब्लेज मोथ रहेगा। नहीं ब्लेज मोथ को नहीं रखते हैं भाई, इसको फाइट में जाने देते हैं। अनुबिस को भी फाइट में जाने देते हैं, क्योंकि गाइस जो हमारे बेस के पाल है ना वो लड़ेंगे उससे, उस जाकू को भी। ऑलराइट गाइस अब बेलिनोर से फाइट करने का टाइम आ चुका है, तो पहले तो ना यहाँ पे बाय लेवल करते हैं और अपनी जितनी पावरफुल पाल है ना भाई उनको छोड़ देते हैं। तो आ जा भी ओसेक, आ जा ब्लेज मोथ, आ जाओ भाई तीनों के तीनों अनुबिस। चल भाई जर्मन टाइड, भाई अपने पास तीन जर्मन टाइड है, एक मैंने पकड़ा था। और यहाँ पे सुजाकू आ जाएगा, रैग्नारोक आ जाएगा जो हमने पाल ट्रेनर का पकड़ा था, तो भाई कल हमने इंस्ट्रूमेंट पकड़े थे। और अपना वुम्पू भाई, प्यारा सा वुम्पू आज लड़ेगा। और अपना फैंगलो, एस्टागन, सुजाकू, पेंगुलेट। ओके गाइज पेंगुलेट को अभी के लिए अंदर रखते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि भाई एक ही पंजा काफी है इसका तो। ऑलराइट गाइज भाई सारे सुन लो, पूरी बैंड बजा देनी है उसकी, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बार ऊपर से दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया लग रहा है सीन भाई, ऐसे लग रहा है पूरी बहुत ज्यादा बड़ी जंग होने वाली है। ये देखो मैंने तुम्हें बताया ना गाइज, ये जो सर्कल बना रखे हैं ना ये ऐसी बड़ी बड़ी फाइट के लिए बना रखे हैं, जैसे आप देखते हो डंजन में ये ऐसी फाइट के लिए होते हैं। अच्छा बेलिनोर को स्पॉन करने से पहले ना मुझे उसके स्लैब बनानी पड़ेंगे, पहले घर पे ना वो बना के लेके आते हैं। ऑलराइट गाइस बैक टू द बेस, और यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा इधर की साइड पे, और यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन पे ना एक बार बेलिनोर स्लैब बना दो, ये है ना बेलिनोर स्लैब। हाँ भाई बनाइयो इसे, आओ जो भाई आ जाओ बात के आ जाओ। और मुझे क्या करना था, हाँ मटेरियल लेना था, तो यहाँ पे ना एक बार अल्टर लगाते हैं, अल्टर एक यहाँ पे अल्टर लगाते हैं और इसको अब ऐसे तोड़ लेते हैं। इसको बनाने का जितना भी सामान है ना अपने पास आ चुका है, बस एक स्लैब उठा लेते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं फाइट वाली जगह पे। ऑलराइट स्लैब तो कलेक्ट कर लिया हमने, और अब चलते हैं सीधा बेलिनोर से फाइट करने के लिए। तो चलो पहले तो यहाँ पे एक अल्टर स्पॉन करते हैं। अल्टर कहाँ पे स्पॉन करूँ मैं, इस साइड पे करते हैं गाइस, इस साइड यहाँ पे रखते हैं अल्टर को। बनाएगा भाई, हाँ भाई बनाने के लिए आ गया है। चलो भी बनाओ। तो चलो गाइस यहाँ पे रखते हैं भाई बेलिनोर स्लैब। भाई ये है तो बस 30 लेवल की, बट अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओके गाइस अपने पास है बेलिनोर स्लैब, रखते हैं इसको यहाँ पे, करते गाइस स्पॉन। चलो भाई स्पॉन करते हैं, 3 2 1। नहीं अभी नहीं, पहले प्लेरियस को यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। 3 2 1 लेट्स गो। अबे भाई बटा ले मुझे। ओ गाइस भाई स्पॉन हो चुकी है बेलिनोर। अबे नहीं, ओ गाइस, ओ वेट, मुझे ऊपर उड़ना पड़ेगा। अबे तू मत लड़। ओ गाइस पहले ऐसा नहीं था भाई आसमान, पहले गुलाबी गुलाबी सा था, और अब देखो ओ गाइस पूरा भाई पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया है।
और गाइस ड्रैगन कैनन देखो भाई 300 400 भाई कितना ज्यादा डैमेज दे रहे हैं इसको भाई। इसकी आधी हेल्थ तो खत्म भी कर दिया है। ओ भाई जमा दिया किसने जमाया कुछ नहीं पता। ओके गाइस यहां पे है बैलन और ये देखो भाई इसको तो अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहे भाई। हम भी मारते हैं, मेरे पास क्या है मस्किट है ना। हाँ चलो भाई मस्किट बजाते हैं भाई। पिछली बार इसने इतनी तगड़ी लेजर मारी थी, अब की बार तो कुछ कर ही नहीं पा रही है ये। ओ भाई इसने देखो भाई ये लेजर मारी भाई। अच्छा ड्रैगन गाइस ये देखो भाई यही वाला अटैक कह रहा था मैं, ये ज़्यादा ये बार बार नहीं कर पा रही क्योंकि अपने पाल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है भाई। अभी वो गाइस ये क्या था भाई, कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। वेट अभी ये क्या हो गया, अटक गई क्या ये? वो गाइस अटक गई। ओ नहीं 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 वो भाई क्या नाटक कर रही थी वो गाइस, उन्हें देखा भाई क्या नाटक कर रही। मैं भी मारता हूँ इसको। 500 का डैमेज भाई बढ़िया। ओ स्टगन को देखो भाई कहाँ पर मार रहा हो। वो गाइस कैप्चर करके नहीं 0% और ये वाला भाई किसी पे कैप्चर रेट नहीं आ रहा। ओके गाइस अपने काफ़ी सारे पाल ना हंगरी हो चुके हैं भाई, जो हंगरी हो गया ना उनको चेंज कर देते हैं। ऑल राइट कौन कौन हंगरी हो गया है, ये अनुबिस हो गया है। ओ नहीं 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 वो भाई साहब अभी वो गाइस मेरी शील्ड गई भाई। मेरे पीछे आ रही है ये तो भाई। इसका टारगेट पता क्या है, या तो अपना पाल बॉक्स उड़ जाए या फिर मैं खत्म हो जाऊँ भाई। इसका बस यही टारगेट है। ओके मेरी बस एक बारी शील्ड आने तो भाई फिर चेंज करते हैं। वो गाइस अपना सुजाकू मार दिया भाई इसने लिटरली भाई। सुजाकू एक्वा तू अंदर आ और जाओ भाई और जाओ। भागो 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 यहाँ से भागो 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 भागो। ओके गाइस इसकी 300,000 हेल्थ थी और अब 140,000 रह गया है। अभी तू कहाँ पे घूम रहा है? हाँ यहाँ से मारना है इसको। कहाँ पे है ये? मारो इसको मारो। फ्लैरिस तो इधर आ, फ्लैरिस तो इधर आ। ऊपर से मारते हैं। वो नहीं लेजर मारेगी गाइस। ये देखो भाई ओ भाई सबको खत्म लपेट भाई सबको लपेट देती है एक बारी में। ओ भी नहीं गाइस यही तो कह रहा था मैं भाई, मुझे टारगेट बना रही है गाइस। ये देखो भाई एक कोने में जाके पीट दिया इसको। वो फिर से वही वाला नाटक कर रही है वो देखो। ओ नहीं 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 देखना अब मारेगी, देखना अब मारेगी। इसकी 100,000 हेल्थ रह गई है। अब मुझे क्या करना है ना, सभी को वापस बुलाना पड़ेगा। ये देखो चलो 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 सारे वापस आओ। तुम थोड़ा सा हील हो जाओ और अब तुम आ जाओ नए वाले। आ जाओ सारे जने आ जाओ। ओह गाइस मैं क्या करता हूँ ना, भाई हाथी को छोड़ देता हूँ। आ जाओ भाई मैम रेस्ट गैंग लेट्स गो भाई। अपने रिप्ट्रोय भाई अभी देखना क्या धमाके उठेंगे। ओह गाइस ये देखो भाई धमाके देखो भाई लेट्स गो भाई क्या हो रहा है ये। ओ भाई लगातार लेजर मार रही है ये तो भाई इतनी ओ गाइस अभी देखना फिर से ये देखना फिर अभी नहीं मेरा पावर बॉक्स उड़ा रही है वो। ओ हाँ मेरा पावर बॉक्स उड़ा रही है वो। अभी मारो भाई इसे। अपने रिप्ट्रोय मर गए, सारे आओ सारे आओ, तुम भी आओ यहाँ पे आओ भाई जल्दी आ जाओ सारे के तुम भी यहाँ। ओ गाइस अपना पावर बॉक्स उड़ा रही है भाई। अपने पावर बॉक्स की हेल्थ कितनी है? ओ नहीं भाई 20,000 थी, बस 12,000 रह गया है। अबे नहीं यार मारो भाई जल्दी से इसको, ऐसे तो हम फाइट हार जाएंगे और हमारी स्लैब भी चली जाएंगी। गाइस हमें भी मारना पड़ेगा भाई। ओके 4-4.5 मिनट रह गए भाई इसके अंदर अंदर, हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसको। हाँ मारो इसको। ओके बढ़िया, नहीं मेमोरस तो मर चुका है। ओके इसकी 50,000 हेल्थ रह गया है। मुझे ना जल्दी से जल्दी है भाई सभी अंदर करने पड़ेंगे। वो सेक मर चुका है, वो सेक को वापस बुलाते हैं। हाथी तू आ, इसको बाय लेवल करते हैं। आ जाओ भाई सारे आ जाओ। बुंकू तू अंदर जा। नहीं नहीं बुंकू नहीं, बुंकू ना इसको जमा देता है। ओके कहाँ पे है ये? वो यहाँ पे है ना। ऑल राइट गाइस 30,000 हेल्थ रह गया बस, अभी बस हमको अंडा मिलने वाला है। वो नहीं नहीं फ्लैरिस मर गई, मेरी फ्लैरिस मर गई। व्हाट भाई फ्लैरिस मैंने छोड़ रखी थी क्या? फ्लैरिस अंदर जाता हूँ मैं, क्या करता हूँ ना अपने पास सुजाकू, नहीं नहीं अपने पास नहीं, हाँ ये गैराडोस के पास। ओके कहाँ पे है ये? मारो 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 इसको मारो। ऑल राइट गाइस ये देखो, अभी नहीं कहाँ से, अभी मेरे पे मेरी शील्ड गई। अभी मैं भी गया। ओ गाइस भाई मैं उसके पास क्या गया भाई, उसने तो मुझे टारगेट बना लिया। ओके बुंकू ने उसके मारा जमा दिया उसको। ओके बस खत्म होने वाली है। 9,000 है। वो गाइस मुझे देख रही है, तुमने देखा ध्यान से? वो गाइस वो देखो, नहीं। ओके 6,000 5,000। वो गाइस ड्रैगन ने भाई उसको जकड़ रखा है, एक बार ध्यान से देखो तुम। ये देखो पकड़ रखा है उसको ड्रैगन ने। 1,000 12,000। अभी क्या शांत हो गए सारे,
ये फिर से नट। ओके लेट्स गो भाई, हमने वैलनर को फिनिश कर दिया है और भाई हमें मिल चुके हैं एग। एग मिल गए ना भाई हमें? अबे एग नहीं मिला। ओ लेट्स गो भाई, हमें ह्यूज डार्क एग मिल चुका है यहाँ पे। ओ गाइस ये देखो भाई, ड्रैगन ने इसको पकड़ रखा था। अबे भाई ड्रैगन हंगरी हो गया बेचारा। अबे भाई हमारा हाथी मर गया, सुजाकू मर गया भाई, 45 लेवल का सुजाकू समझ रहे हो। बट हाँ गाइस ये अच्छी बात है, अभी ये मरे नहीं है भाई, ये सिर्फ इंस्पेक्टेड हो गए हैं, मतलब घायल हो चुके हैं, बस इनको पावर बॉक्स में रखना है, ये रिवाइव हो जाएंगे। चलो भाई चलो आ जाओ अंदर। चलो गाइस मारते अपने टेलीपोर्ट घर पे। भाई इस एग को खोल के देखते हैं क्या निकलता है। वेलकम बैक टू द होम भाई। अब यहाँ पे ना एक भाई इंक्यूबेशन लगा देते हैं, क्योंकि जो डार्क एग है ना उसको थोड़ी सी ठंडक चाहिए होती है, तो इसको लगाते हैं इधर की साइड पे। और ये बन चुका है एक चुटकियों में और यहाँ पे लगाते हैं अपना ह्यूज डार्क एग एक वैलनोर का, और ये अपनी 100 की स्पीड पे चल रहा है, तो एक घंटे के बाद हमें पता लग जाएगा इसमें से क्या निकलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एक प्यार सी सुबह हो चुकी है, और भाई बस इसमें से ना एक दूसरे सिंबल की वैलनोर निकल जाए फिर भाई अपना काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मुझे एक और वैलनोर को हराना पड़ेगा भाई। तो चलो हमें जो काम की चीजें मिले ना हम फ्रिज में रख देते हैं। तो हमें भाई एक एशियन सिविलाइजेशन कोर एक और मिल चुका है, और अगर हमारे पास 5 हो गए ना भाई हम फिर इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर लगा सकते हैं। मैं फ्रिज में इसलिए रख रहा हूँ जो कि ये गुम ना हो जाए। गाइस यार मुझे एक बात बताना भाई, ये जो रूबी वगैरह है इनको हम सेल कर दें या फिर ये किसी काम आएंगे कुछ चीज बनाने के लिए? भाई प्लीज यार बताना ना इनका। और अब चलते हैं गाइस अपने घर में कुछ अलमीरा वगैरह लगाने, जो कि ये बाहर का सामान ना हम अपने घर में स्टोर कर सकें। अबे यार भाई कुछ काम करने दोगे भी या नहीं? मतलब क्या है भाई तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है ऐसे ही आ जाओगे? भाई औरों को तो है ना। अबे यार चलो भाई पहले सभी अंदर चलो, इनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी अच्छे से। आइयो भाई सभी अंदर आ जाओ, बाय लेवल करते हैं। ओके आ जाओ भाई डिप्ट्रॉय, तुम्हारी बारी आ चुकी है बैंड बजाने की इनकी। आ जाओ सभी आ जाओ सभी आ जाओ। और भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ से नजारा लेंगे फाइट का। ओके भाई ये देखो आग वाले आए हैं ना भाई, ये वोल्केनो बायोम से आए हैं, इनको पता है मैं वहाँ पे गया था। हैं हैं मानोगे नहीं, हैं मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। ओके हमला हो चुका है, नीचे आओ नीचे। हाँ बढ़िया बढ़िया, अभी पता लग चुका है। ओके मुसांडा आया भाई, ये देखो गोल, ये मारा पंच भाई खत्म। अबे मेरा घर ना जला दियो भाई। ओ भाई गोली बारी लेके आए हैं। अबे नहीं मैं मर गया भाई, लिटरली मैं मर गया, मेरी शील्ड तोड़ दी इन्होंने। अबे मारो भाई, भाई मैंने भरोसा करके तुम्हें निकाला और तुम मार नहीं रहे हो। ओके चलो भाई पबजी की लूट उठा लेते हैं, मेरे पे रेड करने आए थे। अभी इन्वेंटरी खाली करी थी भाई, अभी भर गई फिर से। चलो अपना काम कर लेते हैं यहाँ पे चल के। तो हमें लगानी है काफी सारी चेस्ट। तो देखो इधर की साइड पे खिड़की है ना, तो यहाँ पे छोटी शेल्फ आएंगी, तो यहाँ पे आएगी एक छोटी वाली, और फिर इसके साइड पे ये बुक वाली, और यहाँ पे आएगा एक डेकोरेटिव टेबल, बट ये ज्यादा छोटा नहीं है, और इसके साइड में आएगी एक बुक शेल्फ। चलो भाई लगाओ इसको यहाँ पे, आ जाओ भाई आ जाओ। ये आ गया रोबिन टायरा। मैं क्या करता हूँ एक बार अनुपिस छोड़ के आता हूँ, वो फटाफट बना देंगे। ये देखो भाई मुसांडा इतने बड़े बड़े नहीं आ सकते। और राइट ये तो बन चुकी है अपनी, और इसके साइड में ना मैं सोच रहा हूँ ये वाला टेबल लगा दूँ एक। नहीं नहीं यार ये बढ़िया नहीं लगेगा। गाइस यहाँ पे ना ये वाला टेबल लगा देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे इसको भी बना दो भाई। अबे ये वाला कौन बनाएगा भाई, इसको तो बनाओ, इसको तो बना देंगे भाई, इसको कौन बनाएगा? अबे इसको भी बना जा, इधर आ, इसको भी बना। हाँ अब समझ आया ना तुझको। और चलो गाइस यहाँ पे अपने वर्क बेंच भी लगा देते हैं, तो अभी आएगा यहाँ पे हाई क्वालिटी वर्क बेंच इधर की साइड पे, और यहाँ पे आएगा एक पास फेयर वर्क बेंच। गाइस यहाँ पे एक खिड़की लगा देते हैं जो कि हम यहाँ से नजर रख पाएं, और अगर कोई काम नहीं करेगा तो और यहाँ पे ना ये लटकने वाली शेल्फ लगा देते हैं, लटकने वाली, और यहाँ पे ये वॉल शेल्फ लगा देते हैं। एक आएगी इधर की साइड पे और एक जस्ट आएगी इधर की साइड पे। बनाइयो भाई इसको, देखिए कैसी लग रही है। ओ भाई रेडियो रखा है इस पे, बजता है क्या ये? ओपन, ओ नहीं, अबे यार 3 स्टोर है, मैं क्या करूंगा इसका। चलो वैसे बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और हाँ गाइस अपने एक ड्रेसिंग टेबल भी तो था भाई, जिसपे हमने ये अपने बाल ग्रीन कलर के किए थे भाई, अभी तक ऐसे की ऐसे ही है। तो चलो मैं क्या करता हूँ ना एक बढ़िया सी जगह देख के लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पे सही लग रहा है, बट यहाँ पे नहीं यार, मैं लगाना चाहता हूँ इस साइड पे। तो ये रहा अपना एंटीक ड्रेसर, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। बनाइए भाई अनुबिस, थोड़े हम बाल चेंज करें अपने। अपने कौन से थे? हाँ ब्राउन थे ना, नहीं थोड़े से ब्लैक थे और थोड़े से ब्राउन थे, ये वाले थे गाइस। या रेड थे? नहीं नहीं रेड तो नहीं थे, ऐसे वाले थे। ओके गाइस हमारे बाल फिर से भाई कलर करवा लिए मैंने, और भाई देखो अब कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई, उसमें तो क्या जोकर से लग रहे थे। और चलो गाइस अपना बेड भी लगा लेते हैं सोने के लिए, भाई अभी तो बारिश हो रहा था मैं, तो अपना ये कंफर्टेबल बेड लेते हैं और इसको लगाते हैं खिड़की के पास में, यहाँ पे से रहेगा।
जाएगा। ऑल राइट, अपना एक प्यारा सा बेड बन चुका है यहाँ पे, और एक बेड ना गाइस मुझे यहाँ पे लगाना है, तो इसको लगाते हैं ऐसे करके। वो इसलिए यहाँ से उठ के सीधा भाई गुड मॉर्निंग कह पाऊंगा मैं तुम्हें। ओके, तो अपना ये बेड भी बन चुका है, आ जा भाई अनुबिस, आज के लिए इतना काम में भी काफी होगा। और अपने यहाँ पे एग वगैरह नहीं भाई, ये एग तैयार ही नहीं हुआ है। और गाइस सामने देखो भाई, ओ भाई मैमरेस्ट घूम रहा है। अबे इसकी आधी हेल्थ है। अबे किससे लड़के आया भाई तू? भाई जब भी अपने बेस के आसपास ऐसे मैमरेस्ट घूमते ना भाई, हमेशा आधी हेल्थ रहती है उनकी। पता नहीं भाई किससे लड़के आते हैं, ये देखो लिटरली भाई आधी एचपी हुई पड़ी है। अबे गुस्से में आई है। मैं क्या करता हूँ ना गाइस, इसके पीछे से बॉल मार। अबे घूम मत गाइस, नॉर्मल बॉल में करके देखें, 1% आ रहा है। ओके 3-2-1 लेट्स गो। ओ भाई आजा प्लीज आजा प्लीज आजा प्लीज आजा प्लीज आजा प्लीज। अबे आ जा ना भाई। ओके ग्रीन बॉल 4% येलो में आ जा प्लीज गाइस। देखो भाई अब इसको, अबे उधर मत जा, देख वो उधर उधर के बंद। नहीं मैं मुझे पकड़ना है। 12% प्लीज आ जा अंदर, प्लीज आ जा 29% 60 लेट्स गो भाई। अपने बेस के पोकेमोन आ गए थे भाई इसको मारने के लिए। ओ भाई अभी चटनी बना देते इसकी। हमको मिल चुका है फ्री में मेमोरेस्ट भाई, ये रहा। हेलो। और भाई इसको थोड़ा सा खाना खुआ देते हैं, इसका ही खाना खुआ देते हैं इसको। और इसी बात पे यहाँ पे एक न्यू कॉम्बिनेशन लगा देते हैं जो अपने इनसब्सक्राइबर का है। पहले तो आएगी यहाँ पे एक बेलेनोइर, चलो भाई यहाँ पे रखते हैं क्लैरियस। तो भाई एक उड़ने वाला फायर टाइप पोकेमोन और एक है डार्क टाइप पोकेमोन बेलेनोइर भाई, जिससे अभी अभी फाइट करी थी। तो देखते हैं इनसे हमें कौन सा एग मिलता है। अभी देखो इसमें 25 मिनट बाकी है ह्यूज डार्क एग को, जो कि बेलेनोइर का है। तो देखो गाइस अपने फाइट में जितने भी पोकेमोन लड़े थे ना भाई, वो ना अभी हंगरी हुए पड़े हैं। तो पहले तो सारे छोटे पोकेमोन्स को यहाँ पे बुलाते हैं और अब करते हैं बाय लेवल। आजो भाई आ जाओ, सारे खाना खा लो, आ जाओ खाना रेडी है। गाइस ये देखो भाई मैंने क्या बोला था, सारे के सारे भाई बिल्कुल सारे भूखे हैं क्योंकि अभी अभी फाइट करके आए हैं। तो भाई इनको पहले खाना खुआ देते हैं और फिर चलते हैं एक बॉस फाइट करने के लिए, और वो भी ग्रिजबोल्ट से। भाई आज हम ओसेक और ग्रिजबोल्ट की फाइट करवा के देखेंगे भाई दोनों इलेक्ट्रिक पोकेमोन में से कौन जीतता है। खाना तो है ना? ओ भाई खाना ही नहीं है। अबे यार खाना ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ ना अभी खाना लेके आता हूँ। ओके तो मैं खाना लेके आ गया हूँ, लो भाई लो खाना खाओ। ओके मैं क्या करता हूँ ना, तो यहाँ पे काफी सारा गन पाउडर बना दो जो कि हम अपनी एमओ वगैरह बना पाए बाद में। और वुम्पू को क्या हो गया? हेलो वुम्पू, इसको मैं क्या करता हूँ ना अपनी पार्टी में रख लेता हूँ। इधर आ वुम्पू तू, ये ले मेरे वाला खाना खा भाई। ये थोड़ा मोटी पार्टी का पोकेमोन है ना, तो इसको अपनी तरह से खाना खाना पड़ता है। अब देखना कैसे भागेगा ये। देखो ये देखो भाई ये देखो, बोला था ना भागेगा ये। और यहाँ पे फ्लेरियस और बेलेनोइर से एग मिल चुके हैं भाई। चलो भाई जल्दी से यहाँ पे केक रखते हैं और देखते हैं कौन सा हमें अंडा मिलता है। तो केक को रखते हैं यहाँ पे, और हमें मिला है भाई लार्ज डार्क एग। हाँ इस बार ह्यूज नहीं मिला बट भाई एक लार्ज डार्क एग मिला है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इधर की साइड भी लगा देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे गाइस अपना ह्यूज स्क्रोचिंग एग तैयार हो गया है गाइस, जो हमें मिला था बेलेनोइर और ओसेक से। ओके गाइस 3-2-1 लेट्स गो। भाई इससे भी हमें सुजाकू मिला है बोर्ड गाइस 3-3 गोल्डन स्किल के साथ। भाई ये रनर भी है, स्विफ्ट भी है और लोड ऑफ द लाइटनिंग है वो गाइस। इसके पास ना देखना पड़ेगा कौन से वाला अटैक है, कौन सा है वो मेरे पास ही तो है गाइस। हमें ये वाला सुजाकू मिला है भाई, इस पे एक बार राइड करके देखते हैं। इधर आइयो भाई। ओके वो गाइस देखा भाई, गाइस इसमें स्विफ्ट की स्किल लगी पड़ी है। और भाई ये कितना ज्यादा तेज है भाई पिछले से। लेट्स गो भाई, अभी ओपी वाला सुजाकू मिल चुका है भाई, इस पे राइड करने चलेंगे अब हम। ओ लेट्स गो भाई। अबे बैनगम तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, इधर आ और इधर जा। और भाई इसके पास तो डार्क अटैक भी है, तो फाइट में बढ़िया काम आएगा। हाँ बस थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाना है। अबे भाई ये यहीं पे सो गया, ये देखो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया भाई। अबे चलो अंदर आ जाओ, तुमने खाना खा लिया ना। और सेक को हम अपने पास में रखते हैं। चलो गाइस मैंने यहाँ पे न्यू पोकेमोन छोड़ दिए हैं, अब ये खाना खाते रहेंगे और हम चलते हैं टावर बॉस फाइट के लिए। और भाई मैं अपने साथ में ना सुजाकू को ले आया। अबे नहीं भाई ना मार उसको। अबे यार अबे सॉरी गुमस भाई मैंने ना सुजाकू को रख लिया है जो कि इसका लेवल अप हो जाए। ऑल राइट हम आ चुके हैं रियान सिंडिकेट टावर में। अबे उतार भाई। तो चलो गाइस बॉस बैटल करने के लिए चलते हैं भाई, दोनों ही सेम एलिमेंट के, देखते हैं सब में से पावरफुल कौन है। आ जा भाई ओसेक। ओ भाई कितना ज्यादा बड़ा है ये। अबे नहीं आयरन क्लोनी। अबे नहीं भाई पड़ा। अबे मारना भाई ओसेक। ओके गाइस 920 का डैमेज भाई, देखते हैं इसको ये कितनी देर में हराता है। गाइस टाइमर लगा लो भाई। ऑलराइट तो प्यारे प्यारे से इसको झटके दे रही है भाई, बढ़िया से झटके मारना। हाँ ये वाला मार बढ़िया,
300 अबे आखिरी वाले नहीं लगा भाई, ग्रिजवर्ल्डर्स को कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अभी ये हंगरी कैसे हो गया? मैंने इसको खाना खुआया था, इसको खाना खुआते हैं फिर इसका अटैक बढ़ जाएगा, फिर देखना। ओके भाई अब देखना है इसका कमाल, दिखा भाई। अबे यार ये वाला लगा ही नहीं है, तू किधर निशाना लगा रहा है? मार इसको गाइस, इसके पास ना भाई वो भाले वाला अटैक होना चाहिए था। मैं देखूं क्या एक बारी है इसके पास लाइटनिंग वो है ना गाइस, भाई इसको देखते हैं ना भाई, ये वाला अटैक और फिर ये वाला, भाई अब आएगा ना मजा। ओ सेक भाई मार भाई अपने बड़े वाले अटैक तो। अबे इतना उसको क्या मिल रहा है, यहाँ से अपने सिग्नेचर में मार गाइस, अब देखना भाई इसके अटैक। अबे मार भाई प्लीज, तब कितना ये देखो गाइस, लेट्स गो। ओ गाइस 372 का डैमेज दिया इससे। ओके ये वाला देखो, लेट्स गो भाई 1600 का डैमेज सिग्नेचर मूव भाई इसका। भाई मुझे पता नहीं था इसके पास, ओ ये कुछ नहीं है भाई, गाइस बिजली की लेजर मारी भाई इसने। ओ गाइस तुमने उस एक का ये वाला मूव देखा भाई अभी तक? तो भाई मैंने नहीं देखा था बिल्कुल भी। लेट्स गो भाई, कितनी बढ़िया फाइट चल रही है। एक और बारी भाई, एक और बारी मार था भाई वो बिजली वाली। हाँ ये मार, ये मार। ओ लेट्स गो भाई 1600 डैमेज भाई, जैसे थोर नहीं अपने हथौड़े से बिजली को नीचे बुलाता है भाई, वो वाली बिजली मारी है। अब बिजली की लेजर बूम गाइस, भाई ये देखो। ओ भाई क्या ओपी वाला पाल आया अभी अपने पास, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओके बिजली का झटका, थोर ठंडक भाई मजा ही आ गया भाई। भाई ये सेम एलिमेंट के ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैंने इसके सामने अनुबिस छोड़ दिया ना भाई, जो इलेक्ट्रिक एंगेज काफी ज्यादा पावरफुल रहता है भाई, एक मिनट भी नहीं लगेगा भाई फाइट को खत्म होने में। बट अभी तो तुम इसका मजा लो। लेट्स गो भाई थोर ठंडक। ओके 400 गैल और गैग रिवॉर्ड। वाह भाई क्या मजा आया भाई फाइट में, मजा आ गया भाई। और वो भाई उसको धक्के मार रहा है भाई, मुझे नहीं पता था इसके पास इतनी बढ़िया बढ़िया पावर्स हैं भाई। इधर आ जा भाई और सैक, अबे मुंह क्या लुका रहा है, इधर आ खाना खा खाना। यो 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 भाई कैसे यो यो करके खाना खाता है ये, चल आ जा भाई सुजाक। ओ भाई सुजाकू को कहाँ पे फेंक दिया मैंने, शुक्र है मेरे पास ग्लाइडर था। बिठा लेगा मुझे, बिठा लेगा, आ जा। बिठाया नहीं भाई इसने, मैं सोच रहा था नीचे गिरने से पहले बिठा देगा। और इसका 16 लेवल हो चुका है, बढ़िया है भाई। और यहाँ पे अपने एग तैयार हो चुके हैं। नहीं भाई अभी 13 मिनट बाकी हैं, तो मैं क्या करता हूँ भाई, अपने मैप में ना एक वेडैश नाम करके बॉस रहता है भाई, बहुत दिनों से मुंह चढ़ा रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो हम क्या करते हैं ना, इसको भी लेके आते हैं भाई। 35 लेवल का है ये भाई, इतने खतरनाक पोकेमोन आ चुके हैं 45 लेवल्स के भाई, ये कैसे रह गया? गाइस ग्रास टाइप के एंगेज फायर रहती है, तो हम क्या करते हैं ना भाई, अपने ब्लेज मोड को लेके चलते हैं और बाय लेवल करते हैं, और फैंगलोप की जगह ना ड्रैगन रख लेते हैं भाई, ड्रैगन फाइट करवाएंगे। और जाते जाते यहाँ पे भाई एक न्यू कॉम्बिनेशन लगा देते हैं जो अपने इन सब्सक्राइबर का है, और इस कॉम्बिनेशन के लिए ना भाई मुझे अपने वाला ड्रैगन रखना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पे रखते हैं जर्मन टाइड इग्नस को, और यहाँ पे ब्रीडिंग चालू हो चुकी है। और एक तरफ है डार्क टाइप पोकेमोन बेलेनोयर, और दूसरी टाइप है अपना एक ड्रैगन और एंड फायर टाइप। भाई देखते हैं इनमें से कौन सा एग मिलता है। भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड देख रखे हैं उनको पता ही होगा शायद से कौन सा मिलेगा, भाई जल्दी से कमेंट में बता दो। और चलो गाइस अब चलते हैं फाइट के लिए, चल आ जाओ भाई सुजाकू, चलते हैं जल्दी से। गाइस ये अपनी जर्नी में दे रखा है फ्री पाल अलायंस, भाई इसको हराना तुमने, भाई तुम बताना इसके साथ कब फाइट करें, फिर आएंगे इसके पास। ओके तो गाइस वेडैश यहाँ पे रहता है। ओ भाई कितनी प्यारी सी जगह है वो, अभी उतार भाई क्या कर रहा है, नीचे ले जाके मारेगा क्या? गाइस ये देखो भाई, भाई ऊपर की साइड पे एक प्यारी सी लेक थी। अभी मेरा स्टैमिना गया भाई, मेरा स्टैमिना गया, मैं मरूंगा 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 मरूंगा, बच गया भाई, पानी में गिर जाता ना अभी मर जाता। ऑल राइट गाइस यहाँ पे रहता है वेडैश, और यहाँ पे फ्री पाल अलायंस भी। अबे यार ये फालतू के पंगे लेंगे, कोई बात नहीं जल्दी से एक बार। ये देखो मुझे, मैंने क्या बोला था भाई, रुको तुम्हारे लिए ना मैं इसको छोड़ता हूँ और सेक को, एक झटका मारेगा ना भाई अभी पता लग जाएगा। दिखाइयो भाई और सेक बिजली का झटका, ये मारा। ओ भाई गाइस देखा भाई तुमने, आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा, एक बार इसको मौका दे ब्लेज मॉब को। ओके फायर बॉल गया भाई, चटनी बन गई इसकी, देख ना कटा देगा। मार ना भाई इसको, मार इसको मार मार, बस भाई हो गया तेरा। चलो गाइस अब चलते हैं अंदर। ऑल राइट गाइस ये है भाई वेडैश, वो गाइस अपने जैसा ही है भाई, ये फ्रेंडली है क्या देखते हैं। अबे नहीं फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है भाई, वो भाई लात से विंड कटर मारा है इसने। अबे वेट वेट तुझे ब्लेज मोस पता है कौन है? अबे लात से बुलेट सीड मार रहा। हाँ ब्लेज मोस बताइए भाई कौन है तू? अबे यार ब्लेज मोस का बता क्या प्रॉब्लम है भाई। ओह गाइस 200 का डैमेज भाई, ये तो इसको ऐसे मार देगा, बढ़िया बढ़िया। अबे नहीं इधर से आके लड़ तू, यहाँ से आके लड़ खुली जगह में। अबे भाई इसको उधर ही भाग के जाना है। ओके बचा भाई, बढ़िया ये मार रहा भाई फायर बॉल। अंदर आ जा अंदर आ जा, अब देते हैं एक ड्रैगन को मौका। अबे ये ड्रैगन है, ड्रैगन आ भाई जल्दी। ऑल राइट भाई अब ड्रैगन दिखाएगा, चला आ जा भाई ड्रैगन, ये फाइट नेडो
अबे लगा नहीं उसको, मैं एक बार ना खाना खा देता हूँ सभी को, फिर सभी अच्छे से लड़ेंगे। अबे नहीं ये ग्रास नेट, अबे एक एक कड़े में जरा पागल है क्या? हाँ ये मार बढ़िया, बस 6 का डैमेज। अबे अंदर आ जा भाई, अनुबिस तू आई हो भाई, देखिए देखिए ऐसे कौन है ये। ओके पावर स्लैम 174 का डैमेज होगा ना भाई, ये इसके एंगेज नहीं है ना। ओके फ्यूरस पंच 128 का डैमेज, जैकी चैन की लात। अबे वो डोज कर दिया उसने, जैसे उसको पता था वैसे वो मारने वाला है भाई। अबे नहीं तू अंदर आ, तेरे अगेंस्ट है ये, आ जा तू ही आ जा। ब्लेज मोथ, नहीं नहीं ब्लेज मोथ नहीं, ब्लेज मोथ नहीं, ओसेक तू बता भाई। बढ़िया 101 का डैमेज भाई, बिजली का झटका लग गया उसको भाई। ओसेक को भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है ये। अबे मारना भाई ओसेक, तू तेरा ज्यादा कूल डाउन है भाई, बहुत ज्यादा देर तक देखता रहा ऐसा ऐसे ऐसे करके, इसको पता नहीं यही जीतेगा। ओके बिजली का झटका, थोर ऑफ थंडर 105 का डैमेज। ओके अब बिजली के लेजर, ये बढ़िया थी भाई, ये बढ़िया थी। ओके कैप्चर करके देखते हैं इसको, इसके ग्रीन बॉल में कैप्चर करते हैं। वो आया आया आया, 2% 2% 2% 2%। अबे नहीं भाई, हाँ थोड़ा सा और डैमेज है, बढ़िया। ये भाला अटैक, ये थोर ऑफ द थंडर गाइस, ये भाले वाला अटैक भाई, कोई नाम बताना है इसका। अबे अंदर आ जा, मारेगा क्या उसको, इधर आते हैं। 3% 3% 20 25, लेट्स गो भाई, ये तो ग्रीन में आ गया, 35 लेवल का बॉस भाई ग्रीन में। भाई मुझे नहीं लग रहा था ये ग्रीन में आएगा, और अपने पास एक भी नहीं था भाई ये। आइयो भाई और से, ये ले खाना खा ले पहले, तो तू ले ब्रेड खा ले मेरे वाले। यो 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 आ जा भाई ब्लेज मोथ, तू भी खाना खा ले, तूने भी तो मत करी ना। ये देखो भाई खाना खाना देखो इसका, बिल्कुल एटीट्यूड से खाना खाता है ये। चलो गाइस भाई अब चलते हैं घर पे, अभी तक तो अंडे भी पक गए होंगे। अभी ये क्या है भाई, क्या है तेरे को, नहीं क्या है, नहीं क्या है, नहीं है? है? क्या भाई फालतू, कुछ बोला भी नहीं है मैंने इसको, बस मुक्के मार के दिखा रहा अपनी ताकत। ऑलराइट गाइस बैक टू द बेस, भाई हम लेके आए एक वडैश वाले पोकेमोन को जो हमने अभी तक देखा नहीं था। एलिमेंट्स करते हैं, ग्रास टाइप में होगा। ऑलराइट गाइस ये रहा, और भाई इसके पास फ्यूरियस की स्किल है, इसको यहाँ पे रखते हैं सुजाकू के पास में। ओ भाई हाथी को क्या हो गया, हाथी देखो कहाँ पे सो गया भाई, सिख क्या बेचारा, इसको दवाई देनी पड़ेगी। पहले गाइस एक प्यारी सी झपकी मारते हैं, फिर इसको दिन में देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे भाई, इसलिए तो यहाँ पे बेड लगाया मैंने। ऑल राइट गाइस एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे अपना एग हो गया है। ओ गाइस भाई तुम्हारे सामने अभी अभी एग हुआ है भाई अपना, चलो इसको देखते हैं। बट पहले मैं देखने वाला हूँ एक वडैश को भाई, जो अभी अभी लेके आए हैं हम। इधर आता हूँ भाई, काफी ज्यादा बढ़िया पोकेमोन है, अभी तक हमको मिला नहीं था ये। और गाइस अब टाइम आ गया है बेलेनियर के डार्क एग खोलने का। और अबे यार भाई कितनी बारी रेड करोगे भाई, कितनी बारी पिट के जाओगे तुम। अब इधर से आ रहे हैं, रुक जाओ भाई, इनके लिए निकालता हूँ मैं एक तो गैराडोस, और एक निकालते हैं अपनी फॉक्स। अब भी बताता हूँ मैं इनको, आइयो भी गैराडोस, आजा आजा जल्दी बैठाना है भाई, जल्दी बैठा, टाइम नहीं है इतना। हाइड्रो लेजर लेट्स गो, गाइस भाई उतरा 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 मतलब के उतार, आ जा भाई फॉक्स, आ जा भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। टर्टल आग लगा दूँ, कितनी बारी बताया मैंने है, नहीं कितनी बारी बताया मैंने, आग लगा दूंगा है। लेट्स गो भाई, वन मैन आर्मी गाइस, वन मैन आर्मी भाई, पूरी की पूरी गैंग का तुम्हारे फाइनल फेंट दिया। भाई पहले पानी से धोया और फिर आग से आग जला दी भाई। ओ गाइस भाई इतना बढ़िया सैडल का इस्तेमाल भाई किसी ने नहीं किया होगा मे बी। लेट्स गो भाई, अब से फाइट हम ऐसे ही करेंगे। चलो चलो भाई अंडा खोलते हैं जल्दी से, भाई क्या है यार बीच में आ जाते हैं। अब गाइस हम खोलने वाले हैं बेलेनियर का एग, चलो देखते हैं इसमें से कौन सी सिंबल वाली बेलेनियर निकलती है। ओके भाई हमें बेलेनियर तो मिल चुकी है, और अब हमारे पास दो बेलेनियर हो गई हैं, ये रेड सिंबल वाली, और जो हमें न्यू मिली है उसको देखते हैं। अबे नहीं यार भाई ये भी वही सिंपल वाली मुझे बेलेनियर मिल गई, और वेट भाई एक बॉस है और एक बॉस नहीं है, अबे इसका क्या मतलब हुआ। गाइस हमने जब पिछली बारी एग ओपन किया था तो ऐसे बॉस का निशान छपा हुआ था, और ये अपने वाले से छोटी है ना। ओ नहीं भाई ये बहुत ज्यादा छोटी है, अबे ये क्या स्कैम हो गया। बट कोई बात नहीं गाइस, इसको हम दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में स्पॉन करा के फिर ब्रीडिंग करवाएंगे। और यहाँ पे तुम्हारा एग बन चुका है, अबे यार एग कैसे बनेगा, बेलेनियर को तो मैंने निकाल दिया। और राइट तो रखते हैं यहाँ पे बेलेनियर को, और चलो गाइस इनसे देखते हैं कौन सा अंडा मिलता है। ओ वीट भाई अब की बारी मिला है हमें ड्रैगन एग, वीट भाई मुझे लगता है इससे हमें स्क्रोचिंग एग मिलना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ गाइस, प्लीज यार मुझे बताना ना तुम। उसको ना यहाँ पे आग के पास पे लगा देते हैं। अब चलो गाइस एक कॉम्बिनेशन मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, तब
एलिनोर के साथ में रखते हैं इस स्नो मेमोरेस्ट को। तो गाइस एक तरफ है अपना स्नो मेमोरेस्ट और दूसरी तरफ है अपनी डार्क टाइप बैलिनर। भाई देखते हैं इनसे हमें कौन सा अंडा मिलता है। और गाइस भाई आज तो भाई और सैग ने कमाल ही कर दिया लिटरली। भाई इसके पास गोल्ड लेवल वाले भाई अटैक हैं जो टावर बॉस के पास होते हैं। गाइस यार बताओ यार एक बार मजा आया कि नहीं आया इसकी फाइट देख के। गाइस आज हमें मिली एक छोटी सी बैलिनर लिटरली भाई देखो कितनी ज्यादा छोटी है ये। बट गाइस यार जोन से सिंपल की हम चाहते थे वो तो हमें नहीं मिली, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बैलिनर को स्पॉन करेंगे। और गाइस कल हम जाने वाले हैं एक न्यू इल्लीगल आइलैंड पे और भाई वहाँ पे भी हमें ओसेफ जैसे खतरनाक पोकेमोन से मिलेंगे। और चलो यार गाइस अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। चल भाई पानी का शेयर ले चल मुझे।